यहाँ से लंका 100 योजन दूर है। मैं 60 योजन तक तो बिना थके जा सकता हूँ। बूढ़ा हूँ फिर भी 80 योजन तो जा ही सकता हूँ। मैं 100 योजन तक तो जा सकता हूँ लेकिन लौटने में गड़बड़ हो सकती है, तो फिर क्या करें? मैं ही जाता हूं। रुकिए युवराज, आप दल के नेता हैं, मैं जानता हूं कौन जाएगा, लेकिन उसे जगाना होगा। वानर रत्न हनुमान, मौन क्यों बैठे हो? अवश्य ही शक्ति तौल रहे होगे अपनी। उठो महावीर, उठो, संसार को दिखा दो कि तुम कितने समर्थ हो। महाबली, श्री राम का विश्वास तुम्हारे ही कंधों पर टिका है। साथियों, चिंता न करो, मैं श्री राम का काम अवश्य पूरा करूंगा। मुंह में जा चुका हूं, आपका मंत्र पूरा हुआ, अब मुझे जाने दे। जाओ, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। Thank you.
कन्या हनुमान की ये कला तो अब तक छिपी ही थी। अरे मैं तो इसे बचपन से देख रहा हूँ, इतना चंचल कि सूर्य को फल समझकर खाने उड़ा था। इसकी उच्छृंखलताओं से तंग आकर ही तो इसको श्राप मिला था कि जब तक कोई इसे प्रेरित नहीं करेगा ये अपनी शक्तियों को भूला रहेगा। तो आज मैंने प्रेरित कर दिया। कहाँ होंगी देवी सीता, कहाँ होंगी? मानती क्यों नहीं मेरा प्रस्ताव हृदय मंजरी, उस कंगले राम के पीछे जीवन क्यों नष्ट कर रही हो प्राण वल्लभे? मैं तुझे सुख से रखूंगा, मान जा सुलोचनी, मान जा। अरे दुष्ट, कितनी बार तुझे ना बोलूं, जा अपने दिन गिन, मेरे राम बस आते ही होंगे। दिन तो अब दो दिन, मैंने तुझे एक वर्ष का समय दिया था और अब बस दो माह ही बचे हैं। यदि तू नहीं मानी तो मेरी रसोई तेरी प्रतीक्षा में है। मेरे राम, कहाँ हो मेरे सुख, क्या जीवन से हार मान लो? प्रणाम देवी सीता। ये तो मेरे स्वामी की अंगूठी है। हाँ माता, स्वयं श्री राम ने मुझे दी है। मैं हूँ उनका अनुचर वानर हनुमान। कैसे हैं स्वामी राम, तेवर लक्ष्मण कैसे हैं? मेरे बिना क्या हाल हुआ होगा उनका, कौन उनके भोजन आदि का ध्यान रखता होगा? देवी, अब आपका समाचार सुनकर निश्चय ही अच्छे हो जाएंगे। कपीवर, स्वामी की सूचना देकर आज मेरा हृदय प्रसन्न कर दिया तुमने। श्री राम और लक्ष्मण के बाद तुम ही अब मुझे सर्वाधिक प्रिय रहोगे। स्वामी से कहना शीघ्रता करें, रावण मुझे 2 महीने बाद मार देगा। यदि ऐसा है माता तो मैं आपको अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से ले चलता हूँ। स्वामी को लेकर आओ। आप मेरे साथ चलिए ना माता, मैं आपके पुत्र जैसा ही तो हूँ। नहीं पुत्र, मेरे सम्मान के लिए श्री राम को स्वयं ही आना होगा। किंतु और इस दुष्ट रावण को भी तो पाठ पढ़ाना है। ये लो मेरा स्मृति चिन्ह, स्वामी को देना, वो समझ जाएंगे। ठीक है माता। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, यदि आपकी आज्ञा हो तो 2-4 फल खा लूं।
खा लो। राक्षसराज एक वानर उत्पात मचा रहा है, उसने अशोक वाटिका ध्वस्त कर दी। जाओ उस दुष्ट को जीवित लाना मेरे सामने। कौन है रे तू? क्यों आया लंका में? मैं किष्किंधा के राजा सुग्रीव का सचिव हनुमान आपके पास दशरथ पुत्र श्री राम का संदेश लाया। आपने उनकी पत्नी सीता को बलपूर्वक लंका में बंदी बनाकर रखा हुआ है। मेरा निवेदन है कि आप सीता माता को सत्सम्मान लौटा दें, अन्यथा आपको युद्ध के अनर्थकारी परिणाम भुगतने होंगे। तेरा यह साहस रावण को धमकाता है, लंकाधिपति रावण को धमकाता है। प्रहार वध कर दो इस तुच्छ वानर का। महाराज दूत अवध्य होता है, इसके अपराधों का आप कोई अन्य दंड दे सकते हैं, परंतु प्राण दंड आचार विरुद्ध होगा। वानर को उसकी पूंछ सर्वाधिक प्रिय होती है। इस दुष्ट की पूंछ में आग लगाकर इसे नगर में घुमाओ। कौतुक रहेगा।